My name is Piyanshi Agrawal and welcome back to my channel. So today's lesson is all about the difference between lawyer, advocate and the barrister. So what are the difference between these three terms? If you already know the difference between these three terms, then please pause the video right now and do write in the comment section first. Now let's jump into the video. Firstly, we will understand about lawyer, to whom we call as Vakil. So lawyer is simply a person who has law degree, whether of 3 years or 5 years, that person becomes a lawyer. सिंपली लॉयर वो पर्सन होता है जिसके पास 3 साल की या 5 साल की लॉ डिग्री होती है, उस पर्सन को हम लॉयर बोलते हैं. बट लॉयर इज नॉट एलिजिबल टू रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट इन द कोर्ट, ऑल्दो दे कैन प्रोवाइड लीगल एडवाइजेस. नाउ लुक एट द नेक्स्ट टर्म, बैरिस्टर. बैरिस्टर एंड लॉयर बोथ आर सेम बट द टर्म्स आर यूज डिफरेंटली. लॉयर वो पर्सन होता है, जब कोई पर्सन लॉ की डिग्री इंडिया में लेता है तो वो लॉयर कहलाता है, और अगर कोई पर्सन लॉ की डिग्री इंग्लैंड में लेता है तो वो बैरिस्टर कहलाता है. नाउ द लास्ट टर्म इज एडवोकेट. एडवोकेट वो पर्सन होता है, जब कोई लॉयर अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एनरोल करा लेता है तो वो कहलाता है एडवोकेट. नाउ वी कैन से दैट एडवोकेट, ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर, बट ऑल लॉयर्स आर नॉट एडवोकेट. नाउ आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री.